गिरिडीह शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 स्थित बाबन टोला स्थित कालीबाबू हत्ता कॉलोनी में सार्वजनिक नाला को कुछ लोगों के द्वारा बंद कर दिए जाने से गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। सड़क पर बहते गंदे पानी के कारण लोगों को आवाजाही में काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है। वहीं पूजा पाठ करने के लिए मंदिर जाने वाली महिलाओं और स्कूली बच्चों को बहुत परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। समस्या के समाधान को लेकर स्थानीय निवासियों ने उपायुक्त को आवेदन देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कालीबाबू हत्ता कॉलोनी से होकर सार्वजनिक नाला बगल के तालाब और खेत में जाता है। वर्षों से इस नाला में राजेंद्र नगर बाभन टोला समेत अन्य मोहल्ले का पानी बहता रहा है, मगर कुछ महीने पूर्व स्थानीय निवासी गोलू सिंह, मनोहर सिंह और संतोष सिंह ने दबंगई पूर्वक सार्वजनिक नाला को ईंट पत्थर डालकर बंद कर दिया। ये लोग नाला को अपनी जमीन पर बना हुआ बताकर उसे बंद कर दिए हैं और इस कारण नाला का गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। समस्या है कालीबाबू हत्ता में, राजेंद्र नगर में नाली का समस्या है, रोड का समस्या है, बहुत दिक्कत है। कोई टोटो आना नहीं चाहता है, पूरा घर में पानी घुस रहा है नाला का। पूजा करने के लिए हम लोग नहा धोवा करके निकलते हैं, पूजा नहीं कर पाते हैं, घूम करके जाना पड़ता है, नाला हो करके जाना पड़ता है। कब से समस्या आपको? ये समस्या साल भर से है। पहले कहाँ पानी ज्यादा? पहले मेरे को तो नहीं मालूम भैया, पहले का 7 वर्षों से इस मोहल्ले में रह रहा हूँ। और फिर चार वर्ष पहले मैंने घर बनाना शुरू किया था। विगत 11 वर्षों से मैं देख रहा हूँ नाली का पानी आगे खेत में और तालाब में जाता था। अचानक कुछ दिन पहले जो जमीन बेचने वाले हैं ध्रुव जी या जो भी हैं, और मनोहर सिंह, मनु सिंह, संतोष सिंह वगैरह के में क्या जमीन का विवाद हुआ पता नहीं, इन्होंने नाली को रोक दिया और रास्ते को जाम बनाने नहीं दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि ये हमारा है दोनों। तो नाली को रोकने से आप देख ही रहे हैं कि कितना पानी आ रहा है, गंभीर बीमारियां हो रही हैं सभी को, और रास्ते में इतने गड्ढे हो गए हैं कि आए दिन बच्चे, बूढ़े, सभी टेम्पू टोटो गिर जाते हैं और चोट लग जाती है। पिछले बार इनके भुदोलिया जी के यहाँ एक रिलेशन आए हुए थे, उनका हाथ टूट गया रास्ते में और वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ये मेरा है, तो मैंने उनको कहा भी एक बार कि आप रास्ते में गड्ढा कर दीजिए या दीवार खड़ा कर दीजिए, आप रोक दीजिए। तो उनका कहना है कि मेरा है, मैं बनाने दूं नहीं दूं मेरी मर्जी, मैं रोकूं नहीं रोकूं मेरी मर्जी, आप लोग जहाँ जाना है जाओ और जो करना है सो करो।